इंडियन आर्मी के कम्युनिटी बेस्ड गोरखा राइफल्स रेजिमेंट्स एक्चुअल में एक कास्ट बेस्ड रेजिमेंट है जिसके बारे में कई लोगों को पता नहीं है। सन 1815 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब गोरखाओं की भर्ती की शुरुआत की थी तब नेपाल के सारे जाति के लोग आया करते थे, लेकिन सिर्फ गिने चुने जाति के लोगों की भर्ती की शुरुआत कब से हुई और क्यों हुई इस वीडियो में आप जानेंगे। और साथ में आप ये भी देखेंगे कि क्यों नेपाल के ब्राह्मण और दलित जाति के लोगों की भर्ती को रोका गया। वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारा ऑनलाइन मित्र चैनल और मैं खुद हर इंसान को समान मानते हैं और कोई भी व्यक्ति जाति या धर्म के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं होता है, और इस वीडियो का मकसद किसी भी जाति के लोगों के भावनाओं को चोट पहुँचाना नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि इंडियन आर्मी में चार क्लासेस के रेजिमेंट शामिल हैं, जिनमें है सिंगल क्लास, फिक्स्ड क्लास, मिक्स्ड फिक्स्ड क्लास और ऑल इंडिया ऑल क्लास। इनके बारे में डिटेल में दूसरे वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल हमारे लिए इस वीडियो का फोकस है ये गोरखा राइफल्स की रेजिमेंट। और एक बात इसमें यह भी जानना जरूरी है कि चाहे किसी भी क्लास के आर्मी रेजिमेंट हो, उनके ऑफिसर्स यानी लेफ्टिनेंट कैप्टन से लेकर जनरल तक ऑल इंडिया ऑल क्लास के होते हैं, यानी किसी भी जाति धर्म या क्षेत्र से आ सकते हैं, इंक्लूडिंग एक नेपाली नागरिक। जी हाँ, एक नेपाली नागरिक एज एन ऑफिसर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके किसी भी रेजिमेंट में ऑफिसर बन सकता है और कई सारे बने भी हैं। और आज गोरखा राइफल रेजिमेंट्स में टोटल 6 रेजिमेंट्स हैं, जिनमें ज़्यादातर मगर, गुरुंग, राय, लिंबू और क्षेत्री ठकुरी जाति के लोगों की ही भर्ती होती है। इन जाति के लोगों के बारे में अच्छे से समझने के लिए नेपाल के उस वक्त के कास्ट सिस्टम को हमें समझना होगा। नेपाल के लोगों को 6 ग्रुप्स में बांटा गया था। सबसे ऊपर है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय वर्ण जिसके अंदर आते हैं क्षत्रिय और ठकुरी, वैश्य, सत्यशूद्र और आखिर में असत्यशूद्र, जिनमें दलितों को शामिल किया गया था। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इस ग्रुप के लोगों पर जो वहाँ के इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, यानी कि वहाँ के मूल निवासी या ट्राइबल लोग। इनकी अपनी अलग भाषा है और अपना अलग कल्चर है, और एक ज़माने में ये लोग वहाँ के राजा हुआ करते थे। ये लोग दिखने में मंगोलॉइड फेशियल फीचर्स के होते हैं और ट्रेडिशनली ये नॉन हिंदू थे और शमनिज्म या एनिमिज्म को फॉलो करते थे। और क्योंकि शमनिज्म और एनिमिज्म धर्म हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के साथ मिलता जुलता है, इसीलिए कुछ लोग हिंदुइज्म को फॉलो करने लगे और कुछ लोग बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे। शमनिज्म को नेपाल में झांकरी बोला जाता है, और आज भी इन जाति के लोगों के परंपरागत रीति रिवाज में शमनिज्म की झलक को देखा जा सकता है। ये जो टॉपिक है इनके धर्म का और इनके धर्मांतरण का और फिर इनके राजा से प्रजा बनने का, ये एक अलग और बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरा एक अलग वीडियो बन सकता है। तो अगर आप उस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस वीडियो को बनाकर अपलोड करने की। और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो वहाँ के राजा हिंदू थे और हिंदू चतुर्वर्णाश्रम से प्रभावित होकर वहाँ के लोगों को 4 क्लासेस में डिवाइड करके 1854 में मुलुकी ऐन या नेशनल कोड को जारी कर दिया, और उस वक्त इस कास्ट सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। चतुर्वर्णाश्रम या 4 वर्ण के अनुसार क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मण वर्ण के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं, लेकिन वहाँ के राजा क्षत्रिय वर्ण के थे और यह नेशनल कोड भी वहाँ के राजा ने बनाया था, तो क्षत्रिय वर्णों को भी ब्राह्मण के साथ एक ही हाई कास्ट ग्रुप में रखा गया। उसके बाद आदिवासी जनजाति के ग्रुप को रखा गया और फिर लो कास्ट ग्रुप आते थे, यानी कि गोरखा ट्राइब को हाई कास्ट और लो कास्ट दोनों के बीच का दर्जा दिया गया। और ये जो मैं हाई कास्ट और लो कास्ट बोल रहा हूँ, ये मैं उस वक्त के नेशनल कोड के हिसाब से बोल रहा हूँ, अदरवाइज जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, मैं और हमारा ऑनलाइन मित्र चैनल किसी भी कास्ट या लोगों को छोटा या बड़ा नहीं मानते हैं और हर इंसान बराबर का दर्जा रखता है। तो ये एक प्रॉपर लिस्ट है जिसमें 4 ग्रुप में से आदिवासी जनजाति का जो ग्रुप है, जिसे उस वक्त मतवाली जाति बोला जाता था, इस ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया था। और इस वीडियो का फोकस ग्रुप है ये गोरखा ट्राइब, जिसमें आते हैं मगर, गुरुंग, राय, लिंबू और तमांग। अब अगर इतिहास देखेंगे तो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी आर्मी हुआ करते थे, बॉम्बे आर्मी, मद्रास आर्मी और बंगाल आर्मी, और गोरखास को बंगाल आर्मी के अंतर्गत भर्ती किया जाता था। और बंगाल आर्मी में उस वक्त ज़्यादातर हाई कास्ट के लोगों को भर्ती किया जाता था, चाहे वो भारतीय लोगों से बनाए गए भारतीय रेजिमेंट्स हो या नेपाल से आए लोगों की गोरखा रेजिमेंट्स हो। तो बंगाल आर्मी में हाई कास्ट के सिपाही ज़्यादा होने के कारण लो कास्ट के लोगों की भर्ती नहीं की जाती थी या बहुत ही कम की जाती थी, क्योंकि उस जमाने में कास्ट रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। लो कास्ट खासकर दलित लोगों को अछूत माना जाता था और साथ रहने में, खाने में, पानी पीने में, ट्रेनिंग में और यहाँ तक कि लड़ाई के दौरान आर्मी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
और जब लो कास्ट का कोई सिपाही सीनियर हो जाता था या NCO यानी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर बन जाता था तो कुछ हाई कास्ट के सिपाही उनके ऑर्डर्स को नहीं माना करते थे क्योंकि वो अपने आप को उनसे बड़ा मानते थे। तो यहाँ पर एक बात को हमें मानना होगा कि लो कास्ट के लोगों के साथ और खासकर दलितों के साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है, और मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जिसका आज के वातावरण से कोई भी लेना देना नहीं है। अब होता क्या है कि 1857 में इंडियन रेबिलियन या सिपाही म्यूटिनी होता है जिसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सेनाएं ब्रिटिश के खिलाफ बगावत करती हैं। ब्रिटिश के खिलाफ इस लड़ाई को भारत के आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है, जो कि फैक्चुअली गलत है क्योंकि बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में ज़्यादातर शांति थी और पंजाब और सिख राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया था। फिर हैदराबाद, मैसूर, ट्रावणकोर, कश्मीर और राजपूताना राज्यों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था और ब्रिटिश के खिलाफ इस लड़ाई के दौरान लड़ रहे लोगों ने मुगल राजा बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का राजा बनाने की घोषणा कर दी थी। इस लड़ाई में बाकियों की तरह सिख लोगों ने और गोरखाओं ने भी ब्रिटिश का साथ दिया था और कई ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके परिवार की जानें बचाई थी। इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स गोरखाओं के सिर्फ बहादुरी से ही नहीं उनके वफादारी से भी प्रभावित हुए थे क्योंकि लड़ाई के दौरान ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे लोगों ने गोरखाओं को अपनी तरफ करने के लिए ज़्यादा तनख्वाह या ज़्यादा पैसे देने का भी प्रलोभन दिया था और हिंदू पंडितों द्वारा अपने धर्म के लोगों का साथ देने की भी बात कही थी, लेकिन गोरखा नहीं माने और अपने कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को ही फॉलो करते रहे। और इस लड़ाई के ख़त्म हो जाने के बाद इस लड़ाई का कुछ दोष दिया गया बंगाल आर्मी के हाई कास्ट के लोगों के ऊपर और उनके अंधविश्वास और उनके जाति संबंधित सख्त नियमों के ऊपर। आखिर में नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मार्शल रेस और नॉन मार्शल रेस की थ्योरी को बनाया जिसके अंतर्गत सिर्फ मार्शल रेस को ही सेना में भर्ती किया जा सकता है और नॉन मार्शल रेस को भर्ती नहीं किया जा सकता। अब मार्शल रेस क्या है? तो उस वक्त के ब्रिटिश ऑफिसर्स के हिसाब से मार्शल रेस के लोग होते हैं बहादुर, तगड़े और मजबूत, और नॉन मार्शल लोग मिलिट्री के लिए होते हैं अनफिट क्योंकि ये होते हैं कमज़ोर और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाले काम नहीं करते। तो इस थ्योरी ने हाई कास्ट के लोगों को, खासकर ब्राह्मणों को, मिलिट्री में भर्ती होने से रोक दिया क्योंकि ब्राह्मणों का काम होता था पढ़ने लिखने का और अपने दिमाग से काम लेने का, जबकि मार्शल रेस के लोग शारीरिक मेहनत लगने वाले काम ज़्यादा करते थे जिसकी वजह से शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे। तो ब्रिटिशर्स के मार्शल रेस थ्योरी ने ब्राह्मणों को सेना के लिए अनफिट बना दिया। जहाँ तक मेरा मानना है, ब्रिटिशर्स ने लोगों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत बांटने की कोशिश की थी। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बहादुरी में ब्राह्मण कम होते थे क्योंकि परमवीर चक्र विजेता 1st Battalion 11th Gorkha Rifles के कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण थे। लेकिन हुआ ये कि मार्शल रेस थियोरी हिंदू धर्म के चतुर्वर्णाश्रम के साथ थोड़ा मैच हो गया क्योंकि चतुर्वर्णाश्रम में जो दूसरा वर्ण है वो है क्षत्रिय वर्ण, और इस वर्ण के लोगों का काम होता है लड़ाई लड़ना या योद्धा बनना या राजा बनना। तो अब 1857 के इंडियन रेबिलियन के लड़ाई के बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स ने गोरखाओं से प्रभावित होकर नेपाल के राजा से सिर्फ मगर और गुरुंग जाति के लोगों को ही सेना में भर्ती के लिए भेजने का अनुरोध किया, और ये इसलिए किया गया क्योंकि इन लोगों को मार्शल रेस या वॉरियर ट्राइब का दर्जा दिया गया जैसे सिख लोगों को भी दिया गया था, और मार्शल रेस के होने के अलावा गोरखा ट्राइब कास्ट के हायरार्की में बीच में आते थे, ना हाई कास्ट में आते थे ना लो कास्ट में आते थे, और ट्रेडिशनली नॉन हिंदू होने के कारण ये जाति के नियमों को ज़्यादा सख्ती से पालन नहीं करते थे जिसकी वजह से इनको दूसरे जाति के सिपाहियों के साथ उठने बैठने में, खाने पीने में या साथ में लड़ने में दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन फिर नेपाल के राजा के बातचीत होने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने डिमांड को बदलकर इन जाति से कम 75% लोगों को ही सेना में भेजने का अनुरोध किया। तब से नेपाल के राजा जो जवान भेजते थे उनमें 75% में मगर, गुरुंग और कुछ सालों बाद राय, लिंबू, सुनवर, तमांग, शेरपा जैसे एक ही ग्रुप के लोगों को मगर और गुरुंग के साथ में भेजना शुरू कर दिया, और बाकी 25% में क्षेत्रीय वर्ण के क्षेत्रीय और ठकुरी जाति के लोगों को भी भेजा गया, और नेपाल के राजा भी क्षेत्रीय वर्ण के ही होते थे। आज की अगर हम बात करें तो इन सारे रेजिमेंट्स में 25% सिपाही नेपाल के किसी भी जाति से आ सकते हैं, यानी उदाहरण के रूप में 1st Gorkha Rifles सिर्फ मगर गुरुंग के लिए था तो अब 75% मगर गुरुंग के लिए है और 25% किसी भी जाति के लोग को भर्ती किया जा सकता है। इस तरह से सातों गोरखा रेजिमेंट में 25-25% लोग किसी भी जाति से आ सकते हैं।
तो अब आप समझ गए होंगे कि गोरखा रेजिमेंट में क्यों सिर्फ गिने चुने जाति के लोगों को ही भर्ती किया जाता था। ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल आर्मी में हाई कास्ट के लोगों की वजह से लो कास्ट के लोगों को भर्ती नहीं किया जाता था। और फिर 1857 के क्रांति के बाद मार्शल रेस थ्योरी के अनुसार हाई कास्ट के लोगों को, खासकर ब्राह्मणों को, सेना में भर्ती से दूर रखा गया। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।